और पावन शाम जो कि सूर्य नारायण का अस्ताचलगामी उपासना के साथ समाप्त होता है और कल इस सुबह सनराइज सूर्योदय के साथ हम लोग यहाँ पुनः आएंगे और यह हमारी सभा अब यहाँ से प्रस्थान करेगी। इसके लिए मैं सूर्य नारायण को, परमेश्वर को, ईश्वर को तो आभार प्रकट करता ही और धन्यवाद देता हूँ श्री पांडे सर को, जिन्होंने हम सबों को एक शुभ अवसर प्रति वर्ष प्रदान करते हैं उस छठी मैया से मुलाकात कराने के लिए। और हम सब यहाँ कॉलोनी निवासी इसी बहाने प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। यह सारा पुण्य पांडे सर को जाए और हम सब स्वस्थ रहें पूरे वर्ष भर, क्योंकि हमने अपने उद्घाटन में ही कहा कि यह छठ सचमुच हम लोग अद्भुत बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम संकल्प लेने जा रहे हैं कि अगला 2023 में हमारा छठ व्रत जब हो तो हम विकसित नहीं, कम से कम विकासशील राज्यों में अपने इलाका को सूचीबद्ध कर सके। और वह तभी संभव है जब हम अपनी दिनचर्या को बदले, विचार को बदले और परिभाषित कर सके कि हमारी कौन से कृत्य परंपरा का हिस्सा है, रूढ़िवाद का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, शास्त्र के अनुसार है, वैदिक है, या किसी की इच्छा है या किसी के स्वार्थ में है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन इलाका के निवासियों को प्रचुर मात्रा में ज्ञान दे, ताकि इन सभी विषयों में वह बेहतर से समन्वय, संबंध और अंतर भेद स्थापित कर सके और जो उनके लिए बेहतर हो, उद्देश्य में मदद करता हो, उसके दिशा में निर्णय लें। और अपने आप को ईश्वर पर श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, पर इसके साथ ही हमें अपने तार्किक शक्ति का भी इस्तेमाल करना है और जो विज्ञान है आज कहां से कहां जा रहा है उसे इनकार नहीं करना है। कहीं ऐसा चूक ना हो जाए कि धर्म का नाम देकर हम उस विज्ञान और तर्क को हम इग्नोर कर रहे हों। तो इस छठी मैया में हम सब संकल्प लेते हैं कि हम धार्मिक बनेंगे, सनातन धर्म को और भी ज्यादा विकास करेंगे, जिसके लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। वह तभी होगा जब वास्तविक धर्म को हम सब समझें, ना कि एक छंद परंपरा रीति रिवाज को करें। यह सब हमें प्रेरित करता है, उल्लासित करता है, पर वास्तविक धर्म का भी पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ दिए। जय हो छठी मैया।